नमस्कार, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में, जिसमें मैं अनिकेत देवांगन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक नया टॉपिक। तो इस टॉप एमसीक्यू में दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग पूरे प्रीलिम्स के सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें लास्ट के दो लेक्चर में हमने कुछ इकोनॉमी के कुछ बेसिक चीजों को देखे कि इकोनॉमी है क्या, विश्व की अलग अलग प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो संचालित कैसे होती है, कौन से क्षेत्रों पे काम करके पैसे कमाए जाते हैं, और अर्थव्यवस्था में खुलापन और बंद से तात्पर्य क्या है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ये सभी चीजों को जानते हुए हम फिर ये जानकारी लिए कि विश्व की अलग अलग प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं का मापन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे कुछ हम लोगों ने टूल का इस्तेमाल किया, जैसे GDP, NDP, GNP, NNP, पर कैपिटा इनकम। इसके सहारे हम लोग किसी भी देश के इकोनॉमी के बारे में पता लगा सकते हैं। अब चूंकि हम लोगों को इकोनॉमी और उसके साइज का पता चल गया है, तो हमारा अगला काम क्या होगा दोस्तों, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में यदि ग्रोथ कम है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी जो देश की GDP है वो वहां पर होने वाले उत्पादन पर निर्भर करता है, और ये जो उत्पादन है वहां पर रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब, यदि लोग ज्यादा सक्षम होंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और यदि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उस देश की GDP ज्यादा होगी, और यदि GDP ज्यादा होगी तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उस देश में संपन्नता भी उतनी अच्छे से आएगी। कहने का मतलब, लोगों को सक्षम होना यहाँ पर जरूरी है। तो सबसे पहले इकोनॉमी में हम लोग को ये ध्यान में देना जरूरी है कि जो लोग यदि असक्षम है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, दो जो दिक्कतें हैं जिसके कारण किसी भी इकोनॉमी में नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता है, वो है गरीबी। सबसे पहला गरीबी और दूसरा बेरोजगारी। तो इन समस्याओं के ऊपर मैं आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये ही वो ऐसा वर्ग है जिसके कारण, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। देखो, गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति या कोई एक परिवार है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, और यदि मूलभूत आवश्यकताओं को वो व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा है तो ना ही वो उचित शिक्षा ले पाएगा, ना ही स्किल की ट्रेनिंग उसको अच्छी मिलेगी, और ये दोनों चीज अगर उसको अच्छी नहीं मिली तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कल के डेट में जब वो निकल कर मार्केट में काम करने के लिए आएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होने वाली। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये सीधी सी बात है, गरीबी के कारण, ठीक है, आर्थिक समस्याओं का जन्म होता है। तो सबसे पहले आज की क्लास में, ठीक है, हम ऐसे लोगों को खोज के निकालेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ताकि इनका वास्तविक स्थिति का पता लगाते हुए हम लोग इन समस्याओं को दूर कर सके, और यदि ये समस्याएं दूर होंगी तो इनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी ही होगी, और अल्टीमेटली देश जो है वो तेजी से ग्रो करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो इसके अंतर्गत में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं गरीबी है क्या, दूसरा भारत में गरीबी मापने के आधार क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे कि गरीबी मापने के लिए समय समय पर कुछ समितियों का गठन किया गया है, वो समितियां कैसे कार्य करती हैं। ध्यान में रखिएगा, ये जो गरीब हैं और बेरोजगार हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग योजनाएं लेकर आती है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब, ये जो भी समितियां गरीबों को पहचानने के लिए बनेंगी, तो चूंकि योजना बनाने का काम पहले किसका होता था, योजना आयोग का होता था, वर्तमान में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन कर लिया गया है, तो वर्तमान में ये सब जो काम है अब कौन करता है दोस्तों, नीति आयोग करता है। तो ध्यान में रखिएगा, गरीबी मापने की समितियां, ठीक है, पहले ये योजना आयोग के अंदर में ये समितियां काम करती थी, ठीक है, और दूसरा अब वर्तमान में ये जो, ठीक है, गरीबी मापने का पैमाना है वो किस आधार पर मापा जाएगा, ये काम अब वर्तमान में कौन देख रहा है दोस्तों, नीति आयोग देख रहा है। फिर हम लोग जाएंगे गरीबी के प्रकार के ऊपर में, और फिर देखेंगे वर्तमान के आंकड़े जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, और जिसको क्या बोला जाता है, SDG रिपोर्ट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट।
ठीक है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये रिपोर्ट जो है कुछ महीने पहले ही जारी हुआ है, जिसमें भारत में गरीबी और उसके स्वरूप के बारे में और अलग अलग राज्यों की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जैसे भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, तो देखो भारत में गरीब किसको बोलते हैं? गरीब कहने का मतलब एक ऐसा परिवार या ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? गरीब। लेकिन भारत में गरीबी को परिभाषित कैसे किया जाता है? चलिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से और परिवार के सदस्यों की संख्या। तो ध्यान में रखिएगा, भारत में गरीबी को परिभाषित जो है वो कैलोरी की मात्रा के आधार पर किया जाता रहा है। चलिए इसको समझते हैं कि कब कब जो है गरीबी को मापने के लिए जो समितियां बनी थी उन्होंने कैसे कैसे काम किया। तो यदि अगर बात करें भारत में गरीबी को मापने के आधार, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, गरीबी को मापने के जो आधार हैं या बेस जो लिया गया है वो दो चीजों को लिया गया है। एक तो सबसे पहले भोजन में न्यूट्रिशन या फिर पोषण की मात्रा को, पोषण की मात्रा को आधार माना गया है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2011 तक भोजन में पोषण की मात्रा के आधार पर ही गरीबी को डिफाइन किया जाता था। 2011 में जब सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपना रिपोर्ट जब सौंपा था योजना आयोग को, तो उसके बाद में गरीबी मापने के आधार में और कुछ, ठीक है, और कुछ बातें ऐड की गई, जिसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्या है? भोजन में पोषण की मात्रा के आधार पर गरीबी को मापा गया। और दूसरा जो है प्रति व्यक्ति, ठीक है, न्यूनतम उपभोग मूल्य के आधार पर। तो कुछ आवश्यक वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग मूल्य के आधार पर या पर कैपिटा कंजम्पशन के आधार पर भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया था। तो पर कैपिटा कंजम्पशन किस चीजों पर? तो क्या देख रहे हैं, जैसे बेसिक कुछ चीजें हैं, शिक्षा हो गया, सफाई, सैनिटेशन, ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ बेसिक चीजों को आइडेंटिफाई किया गया और एक बोला गया कि मिनिमम इन चीजों पर प्रत्येक परिवार जो है आज के डेट में खर्च जो है वो करता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं तक लाभ की पहुंच के आधार पर, इसके अलावा बुनियादी संरचना, ठीक है, इत्यादि पर एक परिवार को प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ धनराशि या मिनिमम धनराशि खर्च करनी पड़ती है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो मिनिमम कंजम्पशन मतलब पर कैपिटा कंजम्पशन को गरीबी मापने का आधार माना गया। तो वर्तमान में यदि बात करते हैं भारत में गरीबी मापने का आधार क्या है, तो पोषण के साथ में कुछ जरूरी चीजों पर किया गया न्यूनतम खर्च, ठीक है ना, इसके आधार पर ही भारत में गरीबी को मापा गया। तो वर्तमान में यदि गरीबी की परिभाषा में बोलूं तो किसी व्यक्ति को डिग्निफाई तरीके से जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीजों की जरूरत है, यदि वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो उनको क्या माना जाएगा? भारत में गरीब माना जाएगा। तो गरीबी की परिभाषा केवल अब मूलभूत आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, ठीक है, अब वो गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए यदि कोई मिनिमम खर्च नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा दोस्तों? भारत में गरीब माना जाएगा। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि भारत में यदि कोई परिवार गरीब है, तो अपने बच्चों को ना ही उच्च शिक्षा दे पाएगा, ना ही स्वास्थ्य सुविधा दे पाएगा, ना ही वो स्वच्छ वातावरण उनको प्रोवाइड कर पाएगा, ना ही बुनियादी संरचना, ना ही वहां की महिलाओं की, उस परिवार के महिलाओं की स्थिति जो है वो उतनी अच्छी रहेगी। कहने का मतलब, यदि इनको ये बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो उनके बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे स्किल्ड पैदा नहीं होंगे, और जब वो काम करने के लिए आएंगे तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, उनकी भी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी? खराब रहेगी। अतः सरकार जो है, देश की सरकार जो है, गरीबी या गरीब लोगों को
उस स्तर से निकालने की कोशिश करती है। तो आप जितनी भी योजनाएं देखें, ठीक है, वो सब जो है इसी पर बेस है, ताकि यदि ऐसे वर्गों को ये मूलभूत आवश्यकता हम लोग प्रोवाइड करवा दे रहे हैं तो कल के डेट में वो स्किल्ड बन के, ठीक है, जब मार्केट में काम करने के लिए पहुंचेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी ही होगी दोस्तों, और देश की स्थिति भी, देश की जीडीपी या इकोनॉमी भी, बट ऑब्वियस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो चाहे शिक्षा के लिए हम लोग देखें, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ठीक है, पढ़ाई तुम्हार द्वार हो गया, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना हो गया, सफाई के लिए घर घर में आजकल के डेट में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्रत्येक घर के सामने जो है हर दिन कचरा इकट्ठा करने के लिए आते हैं, बुनियादी संरचना है तो प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह जैसा हो गया। तो ये सारी योजनाएं जो हैं वो किसी एक व्यक्ति को गरीबी के स्तर से निकालने के लिए ही हैं, ताकि वो जो परिवार है, ठीक है, मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर अपने आगे बढ़ने के बारे में सोच सके दोस्त, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में कब कब कौन कौन सी समिति जो है गरीबी या गरीबों को पहचानने के लिए क्या क्या तर्क दी है और क्या क्या अनुशंसा या चीजों को समझाई है। तो यदि बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में गरीबों को पहचानने के लिए 1962 मतलब थर्ड फाइव ईयर प्लान के तहत, ध्यान में रखिएगा, गरीबों को पहचानने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसका काम क्या था दोस्तों, देखो ये जितनी भी चीजें हैं सब किसके अंदर में चल रही है, योजना आयोग के अंदर में, योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के अंदर में ये सारा काम चल रहा है। क्योंकि जब तक योजना आयोग को वास्तविक आंकड़ों का पता नहीं चलेगा गरीबों का, तो वो किसी भी प्रकार की योजना भी अगर लेकर आएगी तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट या पॉजिटिव इंपैक्ट या हेल्दी इंपैक्ट जो है वो सोसाइटी पे पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले इनको, मतलब कौन समाज में गरीब है, गरीबी की परिभाषा क्या होगी, गरीब किनको कहा जाएगा, ये दायित्व किनके ऊपर में है, योजना आयोग के ऊपर में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा योजना आयोग, ठीक, तो ध्यान में रखना ये 1962 में योजना आयोग के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उसने क्या बोला कि 20 रुपए प्रति, ठीक है ना, 20 रुपए प्रति व्यक्ति, ठीक है ना, यहां पर किसकी बात की गई है दोस्तों, 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष यदि अपने ऊपर में कोई खर्च नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को क्या माना गया, गरीब माना गया, ठीक बात है। तो ध्यान में रखिएगा यहां पर गरीबी मापने का आधार क्या माना गया है, ठीक है, खर्च के ऊपर में 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की यहां पर बात की गई है। कब की बात है, 1962 में। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो टास्क फोर्स है ना, जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि 20 रुपए ही क्यों ये जो है स्केल तैयार किया गया और इससे नीचे वाले को क्यों गरीब माना गया, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये कोई भी, ठीक है, कोई भी, ठीक, ये 20 रुपया ही क्यों निर्धारित किया गया, इस प्रश्न का जवाब ये नहीं दे पाई। कहने का मतलब ये कैसे रिपोर्ट थी, एक बेसलेस रिपोर्ट थी, ये एक आधारहीन रिपोर्ट थी, ठीक बात है, क्योंकि ये जस्टिफाई ही नहीं कर पाया कि 20 रुपया ही क्यों, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा 1962 में थर्ड फाइव ईयर प्लान के अंतर्गत में एक टास्क फोर्स का क्या किया गया था दोस्तों, गठन किया गया था। फिर हम लोग आते हैं 1977 में वाई के अलग कमिटी, तो वाई के अलग कमिटी, अब ध्यान में रखिए, पहला जो है बेसलेस रिपोर्ट था, तो दूसरा जो है किसी न किसी को आधार मानते हुए ही गरीबी को डिफाइन करने की कोशिश करेगा। तो ध्यान में रखिएगा, जब वाई के अलग जी आते हैं तो उन्होंने 1958 के आईएमआरसी के रिपोर्ट को बेस माना। ये आईएमआरसी क्या है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक रिपोर्ट को इन्होंने क्या माना, आधार माना। और ध्यान में रखिएगा, इस रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण एरिया पर या रूरल एरिया पर 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और वही शहरी क्षेत्रों पर 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, पर पर्सन पर डे की हम लोग बात कर रहे हैं,
ठीक है, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। इससे कोई कम जो है भोजन ग्रहण करता है, से कम भोजन यदि कोई ग्रहण करता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाता है दोस्तों, गरीब माना जाता है। ठीक बात है कि नहीं? तो जैसे कि मैंने क्या बोला, 2011 तक केवल पोषण को ही क्या माना गया था, आधार माना गया था, किसके लिए, गरीबी के निर्धारण के लिए। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, IMRC इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट है, ठीक है, उसका इन्होंने सहारा लिया और क्या बोला, ग्रामीण क्षेत्रों पर 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों पर 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से यदि कोई कम भोजन कंज्यूम करेगा या न्यूट्रिशन लेगा तो ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा 1977 वाई के अलग। तो इस समय के साथ में और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे और अलग अलग कमेटियां आती जाएगी। अगली कमेटी थी ध्यान में रखिएगा, लकड़वाला समिति। अगली समिति थी दोस्तों लकड़वाला समिति। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लकड़वाला समिति, जिन्होंने 1993 में यह रिपोर्ट जो थी सार्वजनिक की थी और गरीबी को मापने के लिए एक नया आधार उन्होंने प्रस्तुत किया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1993 की जब हम लोग बात करते हैं तो इस समय जो है समाज जो है वो तेजी से बढ़ रहा था और समाज जैसे जैसे तेजी से बढ़ता है तो नए नए वस्तुएं जो हैं वो सार्वजनिक होने लगते हैं और अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना समाज को करना पड़ता है। इसी चुनौती को देखते हुए लकड़वाला ने, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सहारा दिया। ध्यान में रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्होंने सहारा लिया। तो जैसा कि मैंने आप लोग को क्या बोला था कि भारत में 2011 तक गरीबी को मापने का आधार केवल और केवल क्या था, भोजन में कैलोरी की मात्रा। लेकिन जो भोजन है अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतों पर मिलती थी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में चावल का जो कीमत होगा वो कुछ अलग होगा, वही उड़ीसा में कुछ अलग होगा, दिल्ली में कुछ अलग होगा, बॉम्बे में कुछ अलग होगा, बेंगलोर में कुछ अलग होगा। वही अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में जो चावल का प्राइस है वो कुछ अलग होगा, ग्रामीण इलाकों में प्राइस कुछ अलग होगा। वैसे ही देश के अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में जो भोजन पर किया गया खर्च था वो क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। ठीक है, तो लकड़वाला ने ना, ध्यान में रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI या जिसके सहारे महंगाई को मेजर किया जाता है, जिसके सहारे महंगाई को मेजर किया जाता है उसका सहारा लिया भारत में गरीबी को डिफाइन करने के लिए। और ध्यान में रखिएगा, लकड़वाला समिति ने क्या बोला दोस्तों, इन्होंने इस हेतु या गरीबी के मापन हेतु शहरी क्षेत्रों में, प्रत्येक राज्यों के शहरी क्षेत्रों में, ध्यान में रखिएगा, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और वही इस दोष की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को गरीबी मापने का आधार के रूप में लिया और इसके हिसाब से उस समय 25 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी की अलग अलग जो सीमा रेखा है वो निर्धारित की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक को लिया गया क्योंकि उनका मानना था कि शहरों में मेन जो है वो लोग जो है उद्योगों में काम करते हैं और जिसके कारण उनको वेतन ज्यादा मिलता है और इसी कारण वहां पर प्राइस क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, इनके लिए भोजन के लिए। वही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को इस उद्देश्य हेतु लिया गया था। ठीक बात है, तो चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो लकड़वाला समिति 1993, ठीक, अगली जो समिति थी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति
ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसी समिति ने 2011 में रिपोर्ट सौंपा था और वर्तमान में नीति आयोग आने से पहले तक जिस समिति के रिपोर्ट को आधार मान के भारत में गरीबों की पहचान की जाती थी वो थे सुरेश तेंदुलकर जी। तो ध्यान में रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर जी ने क्या बोला कि अब केवल पोषण को आधार मानना सही नहीं, इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ते जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कहां देश के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में उतने ही वस्तुओं का हम लोग उत्पादन करेंगे जितना लोगों को जरूरत होती है। तो कहने का मतलब यदि सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों का योगदान यदि बढ़ रहा है तो उसका कंजम्पशन भी क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। जैसे पहले के लोगों की आवश्यकता केवल भोजन तक सीमित थी, अब वर्तमान में जैसे जैसे देश विकसित होते जा रहा था लोग जो है अन्य चीजों पर भी खर्च करने लगे थे, जैसे इंटरनेट सेवा का उपयोग करना, ठीक है, शिक्षा के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, बुनियादी संरचना या अपना स्वयं का मकान वगैरह। तो सुरेश तेंदुलकर ने क्या बोला, जब लोग जो है इन क्षेत्रों को भी या इन क्षेत्रों पर भी खर्चा करने लगे हैं तो गरीबी को मापने का आधार केवल भोजन नहीं होना चाहिए, कुछ जरूरी चीजों को भी यहां पर शामिल करना चाहिए क्योंकि इन जरूरी चीजों पर प्रत्येक परिवार जो है अनिवार्य रूप से खर्च करता है। और गरीबी की परिभाषा इन्होंने क्या कर दी दोस्तों, चेंज कर दी। तो ध्यान में रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर ने पोषण प्लस छह अन्य चीजों जैसे शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी संरचना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सफाई, सैनिटेशन, महिलाओं की स्थिति तथा उन तक लाभ के पहुंच को क्या माना, आधार माना। तो कहने का मतलब पोषण प्लस छह अन्य चीजों पर, ठीक है ना, एक मिनिमम धनराशि लोगों को अपने ऊपर में खर्च करना पड़ता था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि शहरी इलाके हैं तो 33.3 रुपए, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इन चीजों पर खर्च करना क्या होता था, जरूरी होता था। वही ग्रामीण एरिया पर 27.2 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन इन चीजों पर खर्च करना क्या होता था दोस्तों, जरूरी होता था। क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में 33.3 रुपया और वही इस देश की पूर्ति हेतु तो ग्रामीण क्षेत्रों में 27.2 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से यदि कोई अपने ऊपर में कम खर्च करता था तो उस व्यक्ति को क्या मान लिया जाता था दोस्तों, गरीब। और इसके आधार पर छत्तीसगढ़ जो था वो देश का सबसे गरीब राज्य होता था, जहां पर गरीबी जो थी वो सर्वाधिक हुआ करती थी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये तो था कौन, सुरेश तेंदुलकर समिति। वही हम लोग देखते हैं कि इस समिति ने जब 2011 पर रिपोर्ट सौंपा तो उन्होंने बताया कि देश में जो समग्र गरीबी है वो, तो इस आधार पर सुरेश तेंदुलकर जी के आधार पर ध्यान में रखिएगा, जो देश में समग्र गरीबी है वो 21.9% आकलित की गई। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये था सुरेश तेंदुलकर जी का, ठीक है, रिकमेंडेशन और गरीबी मापने का एक तरीका। इस रिपोर्ट को आगे चल के वेरीफाई करने के लिए 2012 में इस रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 2012 में रंगा राजन समिति का गठन किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, रंगा राजन जी ने भी गरीबी को मापने के लिए पोषण प्लस उन्हीं छह चीजों को उन्होंने आधार माना, पोषण और अन्य छह चीजों को उन्होंने आधार माना। लेकिन ध्यान में रखिएगा, उन्होंने बोला शहरी इलाकों में 47 रुपए, वही ग्रामीण इलाकों में 32 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन से कम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम यदि वह खर्च करता है तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा दोस्तों, गरीब माना जाएगा। ठीक बात है, तो ध्यान में रखिएगा, रंगराजन ने ये जो रिपोर्ट है 2014 में सौंपा था और उसके बाद में योजना आयोग को ही क्या कर दिया गया दोस्तों, 2015 में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना, यह अंतिम रिपोर्ट था और इनके अनुसार देश की 29.5% जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे पाई गई और इस रिपोर्ट के अनुसार भी छत्तीसगढ़ जो है सर्वाधिक गरीबी दर वाला राज्य था। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आगे चल के ये काम जो है नीति आयोग ने संभाला और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग ने आगे चलकर इस हेतु मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का सहारा लिया। तो ध्यान में रखिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या बहुउद्देशीय गरीबी, ठीक है ना, सूचकांक का उन्होंने सहारा लिया और एसडीजी रिपोर्ट के माध्यम से ये डेटा जो है अब वर्तमान में नीति आयोग जो है वो जारी करता है। ठीक है, चलिए, अब ये था गरीबी और गरीबी मापन से संबंधित समितियां और इन्हीं समितियों के रिकमेंडेशन के आधार पर, ठीक है, व्यक्ति गणना या सिर गणना अनुपात या हेड काउंटिंग रेशियो के आधार पर भारत में हम लोग गरीबों की पहचान करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, गरीबी निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी, HCR, ठीक है, साक्षरता। तो गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में लाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए भोजन में, ठीक है, कैलोरी की मात्रा को आधार माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है, परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर गलत, NSSO के परिवार के आय के सर्वे पर गलत, NSSO के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, गरीबी से संबंधित जो आंकड़े इकट्ठे करने का काम करता था वो कौन करता था? NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर होता था। जैसे कि मैंने क्या बताया, सुरेश तेंदुलकर ने बोला था कि ग्रामीण एरिया पर, ठीक है, 27.2 रुपया और शहरी क्षेत्रों पर 33.3 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से यदि कोई कम खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति को क्या मानते थे हम लोग? गरीब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये लॉरेंज वक्र जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा निर्धारित करने की एक विधि है जो आय की विषमता और समता के आधार पर भारत में वैश्विक स्तर पर, ठीक है, गरीबी का निर्धारण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो चलिए देखते हैं लॉरेंज वक्र होता क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? लॉरेंज कर्व, जिसे मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था, ठीक है, ये आय में समानता और असमानता के आधार पर, आय में समानता और असमानता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया करता था। तो ध्यान में रखिएगा, आय में समानता और असमानता के आधार, जैसे कि मैंने क्या बोला, यदि मान लो कि सभी की आय समान है, ठीक है, यदि सबकी इनकम 10,000 रुपी है, तो जब सबकी इनकम समान है तो हम में ना ही कोई अमीर होगा ना ही कोई गरीब होगा। लेकिन यदि किसी एक व्यक्ति की इनकम 10,000 है और किसी की एक की इनकम जो है 1,00,000 रुपया है, तो ध्यान में रखिएगा, वो जो 1,00,000 कमाने वाला है वो 10,000 कमाने वाले से 10 गुना ज्यादा कमा रहा है, तो वो क्या होगा? फिर अमीर होगा और 10,000 कमाने वाला उसके सापेक्ष क्या होगा? गरीब होगा। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, आय में समानता और असमानता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा, कौन से टाइप की गरीबी? सापेक्ष या रिलेटिव
टाइप की पॉवर्टी जो है यहां पर मेजर किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, लॉरेंज कर्व जो है, लॉरेंज कर्व जो है, ठीक है, लॉरेंज कर्व जो है वो कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या और कुल आय के मध्य खींचा जाता है। तो जैसे देखते हैं, चलो यहां पर एक कर्व बनाते हुए चलते हैं। यहां पर ले लेते हैं हम लोग कुल आय, और यहां पर क्या ले लेते हैं दोस्तों, कुल जनसंख्या। यहां पर क्या ले लेते हैं, कुल जनसंख्या। तो जैसे कि चलो एक स्केल तैयार कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30 रुपए, 40, 50, 60, 70। सेम हम लोग नीचे भी स्केल तैयार करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ठीक है। यदि मान लो कि शुरुआत के 10 व्यक्ति लोग मिलकर 10 रुपया कमाए, मतलब यदि सबकी आय इस समाज में समान है, मान लो कि एक एक रुपया है, ठीक है ना, तो 10 लोग मिलकर कितना कमाएंगे, 10 रुपया। 20 लोग मिलकर कितना कमाएंगे, 20 रुपया। 30 लोग मिलकर कितना कमाएंगे, 30 रुपया। 40 लोग मिलकर कैसे कितना कमाएंगे, 40। 50 लोग मिलकर कितना कमाएंगे, 50। 60 लोग मिलकर कितना कमाएंगे, 60। और 70 लोग मिलकर कितना कमाएंगे, 270। कहने का मतलब, यदि समाज में सबकी आय क्या होगी, समान होगी, तो ये जो कर्व बनेगी, ये जो रेखा बनेगी, वो सीधी 45 डिग्री में बनेगी। कितना डिग्री में प्राप्त होगी, 45 डिग्री में क्या होगी, ये प्राप्त होगी, ठीक बात है। ये इस रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, समानता की रेखा, ठीक है। और ध्यान में रख लीजिए, ठीक है, कि जो भी लोगों की आय प्राप्त होगी उसका औसत निकाल दिया जाएगा, और उस औसत के नीचे आने वाले लोगों को क्या माना जाएगा दोस्तों, गरीब माना जाएगा, ठीक है। जैसा यहां पर 70 लोगों का 70 है और 70 जनसंख्या है, मतलब एक रुपया। अब एक रुपया से यदि कोई कम कमा रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सबकी आय मैंने क्या मानी, समान मानी, एक एक रुपया मानी। तो 70 लोग मिलकर कितना कमाए, 70। 10 लोग मिलकर कितना कमाए, 10। और ये जो रेखा है वो कैसे मिली, स्ट्रेट मिली। यही हम लोग अगर बात करते हैं कंडीशन टू की, ठीक है, यही हम लोग बात करते हैं कंडीशन टू की। माना शुरुआत के 10 लोगों में से 5 लोग बेरोजगार थे, तो 10 लोगों ने मिलकर कितना कमाया, 5 रुपए कमाया, ठीक है। वही आगे चलकर हम लोग क्या देखते हैं कि अगले, ठीक है, जो 10 लोग थे वो भी कितना रुपया कमाए, 5 रुपया। तो ये किधर घटेगा, बीच और 10, मतलब शुरुआत के 5 और आगे के 5, मतलब 10, ठीक है। अब उसके बाद कंटिन्यूअसली हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक लोग जो है वो 10-10 रुपया यहां पर कमाते जा रहे हैं, 10-10 रुपया क्या करते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, ठीक है, 10-10 रुपया क्या करते जा रहे हैं दोस्तों, कमाते जा रहे हैं। तो ये रेखा कैसे जारी है देखो, ठीक है, ये थोड़ी सी झुकी हुई। कहने का मतलब, ये रेखा जो है जितनी ज्यादा डीप होगी या जितनी ज्यादा कर्व्ड होगी, ध्यान में रखिएगा, उतनी ज्यादा असमानता में समाज में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक बात है। देख रहे हैं यहां पर, ये जो क्रॉस पॉइंट था कितना था, 5.10, ठीक है, 5.10। यहां पर कितना था, 10.20। फिर यहां पर कितना हो गया, 20.30, 30.40, 40.50, 50.60 और 60.70, ठीक बात है। तो ध्यान में रखिएगा, ये रेखा जो है जितनी ज्यादा डीप होगी, समाज में असमानता जो है उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसको क्या बोला गया दोस्तों, लॉरेंज कर्व। तो आय में समानता और असमानता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, और वो भी किस टाइप की गरीबी का, सापेक्ष, मतलब रिलेट कर रहे हैं यहां पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का। जब भी हम लोग रिलेट करते हैं तो वहां पर मिनिमम दो व्यक्ति का होना जरूरी होता है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरी जनसंख्या और उसके द्वारा अर्जित कुल आय के मध्य में एक क्या खींचा जा रहा है दोस्तों, ग्राफ खींचा जा रहा है, और एक औसत से कम कमाने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या मानेंगे, गरीब मानेंगे, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए, ठीक है, एक और गुणांक का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गिनी गुणांक, गिनी कोएफिशिएंट या गिनी गुणांक। ध्यान में रखिएगा, यह भी आय में समानता और असमानता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारित करता है, और इस हेतु वो लॉरेंज कर्व का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है दोस्तों, लॉरेंज कर्व का ही प्रयोग करता है। तो चलो कर्व बनाते हुए चलते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने क्या बोला था,
ठीक है, कि 10 लोग मिलकर 10 रुपया कमाए, 20 लोग 20, 30, 40, 50, 60 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहां पर क्या था कुल जनसंख्या और यहां पर कुल आय के मध्य में एक ग्राफ खींचा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, गिनी कोफिशिएंट लॉरेंज कर्व का प्रयोग करता है और एक कोफिशिएंट के माध्यम से ये गरीबी के रेखा का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, उपयोग में लाता है। और वो ध्यान में रखिएगा कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू ए बाय ए प्लस बी, ठीक है ना। तो गिनी गुणांक E इज इक्वल टू ए बाय ए प्लस बी, ठीक है। चलो देखते हैं ये ए क्या है और ये बी क्या है, क्लियर है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मान लो कि समाज में सबकी आय समान है, तो ये 10 10 पे कटेगा, 20 20 पे कटेगा, 30 जो है 30 पर कटेगा, 40 जो है 40 पर कटेगा, 50 जो है वो 50 पर कटेगा और 60 जो है 60 पर कटेगा। कहने का मतलब ये रेखा कैसे बनने वाली है दोस्तों, स्ट्रेट बनने वाली है। ये रेखा कैसे बनने वाली है, स्ट्रेट बनने वाली, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या बोला था कि जितनी ज्यादा असमानता बढ़ती जाएगी, ये उतनी ही ज्यादा कर्व शेप लेते जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि शुरुआत के 5 लोग जो थे बेरोजगार थे, तो ये रेखा किस पर कट करेगी, 5 10। आगे के जो 10 लोग हैं उसमें से भी 5 लोग क्या थे, बेरोजगार थे, तो ये रेखा किस पर कट करेगी, 10 और 20 पे। आगे के जितने भी लोग हैं वो सब, ठीक है, एक एक रुपया कमा रहे हैं, मतलब 20 से 30 लोग मिलकर कितना कमाएंगे, 10 रुपया, तो ये 20 30 पर कटेगी, ये 30 40 पर कटेगी, ये 40 50 पर कटेगी और ये 60 यहां पे कटेगी। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये कैसे शेप लेते जा रही है, कर्व शेप लेते जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, असमानता की स्थिति। जब ये नहीं थी तो पूर्ण रूप से क्या थी, समानता मौजूद थी। अब इतना जो भाग है इतनी समाज में असमानता जो है वो उत्पन्न हो चुकी है, तो ये जो ए वाला भाग रहेगा वो कौन सी स्थिति होगी, असमानता। लेकिन ये बी वाला जो भाग है, ये हाइलाइटेड वाला भाग जो है, उतनी असमानता मौजूद है, तो इतनी अभी भी समाज में क्या मौजूद है, समानता की स्थिति मौजूद है। तो यहां पर ए इज इक्वल टू किसको डिनोट कर रहे हैं, असमानता, और बी इज इक्वल टू किसको डिनोट कर रहे हैं, समानता की स्थिति। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो जैसे समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी असमानता नहीं है, और जब असमानता नहीं होगी तो ये रेखा रहेगी क्या, नहीं रहने वाली, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0, क्योंकि जब ये रेखा है ही नहीं तो ये एरिया हट जाएगा और बी पूरा इसका एरिया ले लेगा, तो मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 0, और बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, समानता की स्थिति। तो इस फॉर्मूला में यदि हम लोग रखते हैं तो ई इज इक्वल टू ए बाय ए प्लस बी, कहने का मतलब 0 बाय 0 प्लस बी, तो E की वैल्यू क्या आई दोस्तों, 0 आई। तो E की वैल्यू 0 किसको शो कर रही है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा E की वैल्यू 0 जो है, ठीक है, वो ये शो करती है कि समाज में पूर्ण रूप से क्या है, ठीक, समानता मौजूद। मान लो कि समाज में पूरी तरीके से असमानता है, तो ये जो कर्व यहां तक फैला था वो कर्व कहां तक आ जाएगा, नीचे तक आ जाएगा, और बी को किक आउट करके क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा, और ए जो है वो पूरा बी का स्थान ले लेगा। तो एक आइडियल कंडीशन की वापस से हम लोग बात करते हैं, चलिए इस तरफ देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू ए बाय ए प्लस बी। मान लो कि समाज में पूर्ण रूप से असमानता मौजूद है, कहने का मतलब 59 लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 60वां व्यक्ति जो है वो अडानी अंबानी रहा होगा और वो बाकी लोगों के हिसाब से कमा लिया, ठीक है। तो ये ग्राफ पूरा नीचे आएगा, बहुत ही ज्यादा कहां जाएगा, ये डीप में जाएगा, तो पूर्ण असमानता की स्थिति। तो कहने का मतलब बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है, और ए इज इक्वल टू ये पूर्ण रूप से कौन सी स्थिति होगी, असमानता। चलिए फॉर्मूला में रखते हैं, ई इज इक्वल टू ए बाय ए प्लस बी, कहने का मतलब ए बाय ए प्लस 0, तो ई का मतलब वैल्यू कितना आया, कहने का मतलब ये जो इनकम इलास्टिसिटी है वो 0 से 1 के बीच में क्या करती है दोस्तों, वैरी करती है। और जैसे जैसे 0 से 1 की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं, समाज में असमानता में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, क्लियर है। तो आय में समानता और असमानता के आधार पर
ठीक है, ये जो गिनी कोफिशियंट है इसके माध्यम से हमने क्या निकाला, गरीबी का एक रेखा निकाला। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है इनकम इलास्टिसिटी जो है या आय प्रत्यास्थता जो है लोगों की, वो 0 से 1 के बीच में क्या करती है दोस्तों, वेरी करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, निर्धनता का जो दुष्चक्र है उसने उसे रेग्नर नक्से ने समझाया। चलिए देखते हैं ये क्या है निर्धनता का दुष्चक्र जिसे रेग्नर नक्से ने समझाया। तो रेग्नर नक्से ठीक है, इन्होंने वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को समझाया है। इनका एक स्टेटमेंट जो है काफी फेमस था, कोई देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, देखो दिखने में तो ये एक सिंपल लाइन लग रहा है लेकिन ध्यान में रखना ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में अर्थ लिए हुए है। चलिए देखते हैं क्या अर्थ लिए हुए। कोई देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। सीधी सी बात है, गरीब क्यों है वो, क्योंकि उसके पास में इनकम क्या है, कम है। और यदि उसका पास में इनकम कम होगा तो उसकी सेविंग क्या होगी, उस व्यक्ति की या उस देश की सेविंग कैसे होगी, कम होगी। और यदि उसका सेविंग कम होगा तो सीधी सी बात है दोस्तों, उसका इन्वेस्टमेंट या निवेश क्या होगा, कम होगा। और यदि उसका निवेश कम है तो उसका प्रॉफिट भी या लाभ भी क्या होगा, कम होगा। और यदि उस देश का प्रॉफिट कम है तो अगेन क्या देख रहे हैं, उस देश का जीएनपी कम होगा और अल्टीमेटली उसकी इनकम वापस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये वीसीएस सर्कल या फिर गरीबी के दुष्चक्र पे वो जो देश है फंसा रहेगा। यदि इस दुष्चक्र को तोड़ना है दोस्तों तो क्या बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और इसी के कारण देश की सरकार जो है वो उधारी लेकर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या निवेश को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ताकि लोगों को और इवन दो देश को भी इस गरीबी के चंगुल से निकाला जा सके। ये किसका कहना था, रेग्नर नक्से का कहना था। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो ध्यान में रखना कौन करता है, ठीक है, तो योजना आयोग वर्तमान में इसकी जगह किसने ले लिया है, नीति आयोग ने, पढ़ चुके हम लोग। नेक्स्ट आते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि वर्तमान में नीति आयोग जो है वो भारत में गरीबी और गरीबी रेखा के निर्धारण से रिलेटेड काम कर रहा है। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो नीति आयोग है वो एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको क्या बोला जाता है, SDG रिपोर्ट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है पहली बार सितंबर 2021 में जारी किया था और वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं, जुलाई 2023 में इसका सेकंड एडिशन जो है वो आया था। ध्यान में रखना ये SDG गोल जो रिपोर्ट है इसी के अंतर्गत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऐसा ही एक रिपोर्ट जो है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत में HDI जब रिपोर्ट आता है तो वहां पर भी बहुउद्देशीय गरीबी गुणांक या सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, HDI को, ठीक है, UNDP के अंदर में 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, नीति आयोग भी जो है वो बहुउद्देशीय गरीबी गुणांक के माध्यम से गरीबी को डिफाइन करता है। जो कि ध्यान में रखिएगा ये जो बहुउद्देशीय गरीबी गुणांक है वो 12 बिंदुओं पर केंद्रित है। 12 बिंदुओं पर मतलब 12 पॉइंट होते हैं जिस पर ये केंद्रित रहता है, जिसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो सबसे पहले शिक्षा,
स्वास्थ्य, ठीक है ना, और जीवन स्तर, ठीक है, जिसमें शिक्षा में हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, सामान्यतः, ठीक है, सामने वाला स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो परमानेंटली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब सिर्फ इनरोल तो नहीं है और इनरोल होने के बाद में गायब तो नहीं हो गया है, ठीक है, मतलब शिक्षा का वर्ष, ठीक है, और उनके एनरोलमेंट के आधार पर, उनके अटेंडेंस के आधार पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इनको क्या दिया जाता है, मार्किंग दिया जाता है। वैसे ही स्वास्थ्य की स्थिति, वैसे ही जीवन स्तर, जिसमें रसोई की उपलब्धता वगैरह हो गया, सफाई वगैरह हो गया, बुनियादी संरचना, ऐसे ये 12 बिंदुओं पर केंद्रित होते हैं। इन पूरे 12 बिंदुओं का हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान में रखिएगा ये जो है तीन, ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और इसके अनुसार वर्तमान में यदि हम लोग बात करें तो देश का सबसे जो गरीब राज्य है वो क्या है, कौन है, बिहार है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में यदि गरीबी के मामले में बात करें तो बिहार जो है वो नंबर वन है, यदि कुपोषण के मामले में बात करें तो बिहार जो है वो नंबर वन है, ठीक है। और वर्तमान में यदि बात करें तो देश में कुल गरीबी का जो परसेंटेज है 14.96% निकाला गया, ठीक है ना, तो ये करंट का रिपोर्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलो प्रश्न की ओर आगे आते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, कहने का मतलब 1, 2 और 3 सही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत है लगभग 15%, अभी मैंने बताया 14.96% लोग जो हैं इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे पाए गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुपोषण का दर जो है वो अपने चरम पर था, और इसी के कारण मध्य प्रदेश को भारत के इथियोपिया के नाम से जाना जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे कुछ फैक्ट फिगर वाले जो प्रश्न हैं वो भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, पंचम पंचवर्षीय योजना या फिफ्थ 5-ईयर प्लान में गरीबी उन्मूलन का नारा जो है वो देश में दिया गया था इंदिरा गांधी जी के समय। नेक्स्ट आते हैं, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति गठन की गई? तो जो बीपीएल परिवारों की खोज से रिलेटेड जो समिति थी वो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हाशिम समिति थी, ठीक है। तो बीपीएल परिवारों के पहचान के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो कौन थी? हाशिम समिति। नेक्स्ट आते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य, देखो गरीबी और कुपोषण को मिटाने के लिए जो पूरे देश भर में सबसे इफेक्टिव योजना के तरह है ना, जिसको पूरे देश भर में इंप्लीमेंट किया गया वो कौन है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाना, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन। तो देखो शहरी क्षेत्र में हमने पढ़ा था, ठीक है, वाई के अलग ने क्या बोला था कि यदि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम यदि कोई भोजन ग्रहण कर रहा है तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा दोस्तों? गरीब माना जाएगा, सॉरी, हाँ, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारत में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसके लिए? गरीबी के अनुमान हेतु। तो शेर गणना विधि, या जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेड काउंटिंग मेथड, बिल्कुल हेड काउंटिंग मेथड का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, हमने रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ा था जो आय में समता और विषमता के आधार पर था, लेकिन जो निरपेक्ष गरीबी है या एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो मूलभूत आवश्यकता जो पूरा नहीं कर पा रहा है ऐसे लोगों को पहचानता है, और उसके लिए हेड काउंटिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, कैलोरी ग्रहण को शामिल करते हैं, परिवार के उपभोग व्यय को शामिल करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय को हम लोग शामिल नहीं करते।
तो कहने का मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं गरीबी से संबंधित है, तो क्या होगा दोस्तों, 1, 2 और 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा की सीमा निर्धारण की है, तो ध्यान में रखिएगा सुरेश तेंदुलकर ने क्या बोला था, 33.3 रुपए, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति दिन, ठीक है, और वही ग्रामीण क्षेत्रों में 27.2 रुपए पर पर्सन पर डे से कम खर्च करने वाले को क्या माना था, ठीक है, गरीब माना था। तो इसके अनुसार हम लोग क्या देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपए तथा ग्रामीण इलाकों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह यदि से कम अपने ऊपर में कोई खर्च करता है तो उन व्यक्तियों को क्या माना जाता है दोस्तों, गरीब माना जाता है। तो ये तो गरीबी से संबंधित सारे फैक्ट एंड फिगर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग लेकर आए। आगे हम लोग दूसरी समस्या के बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसको क्या बोलेंगे, बेरोजगारी। तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद।